नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। हम तो कहेंगे कि इस अंक में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून में महामारी की तरह फैलते जा रहे डेंगू के ऊपर। उत्तराखंड राज्य में आम जन पर दोहरी मार पड़ रही है। पहली मार प्रकृति की मार इसलिए क्योंकि मच्छर प्रकृति की देन है और ये मच्छर दिखाई नहीं देता, बस डंक मारकर अदृश्य हो जाता है। उसका डंक पहले इतना खतरनाक नहीं था जितना आज हो गया है। देहरादून, नैनीताल, यह दो विशेष ऐसे स्थान हैं जहां सबसे ज़्यादा इस खतरनाक मच्छर का महाप्रकोप दिखाई दे रहा है। दून में शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा जहां इस मच्छर का खतरनाक रूप सामने न आया हो। वर्ष 2016 से 2019 तक इस मच्छर को डेंगू के नाम से जाना गया। डेंगू का नाम सुनते ही सामने वाले के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। और दूसरी मार सरकार बहादुर की। दून शायद एक ऐसा पहला जनपद होगा जहां का नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर उन परेशान लोगों का 5,000 का चालान काटने में लगा है जहां डेंगू का लार्वा मिल रहा है। एक तो आदमी पहले ही डेंगू से परेशान है, ऊपर से 5,000 का चालान। सरकार बहादुर, सड़कों में जो गड्ढे हैं, चाहे वो बारिश की वजह से हुए हों, जहां घटिया सड़क का निर्माण हुआ है, खुदाई की वजह से हुए हों, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाई जा रही हैं, सीवेज लाइन के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा, जिनमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है, क्या उसमें डेंगू का लार्वा जन्म नहीं ले सकता? एक बार जांच टीम भेजकर तो देखिए और चालान बुक साथ में लेके भेजिएगा। जनाब, डेंगू का लार्वा 48 घंटे में पनप जाता है। सड़कों में जो गड्ढे हैं उनमें बरसात का पानी तो कई कई दिनों तक सड़ता है। केवल घरों के गमलों में झांकते हुए उनमें लार्वा ढूंढने से कुछ नहीं होने वाला। अगर लार्वा ढूंढना है तो सड़कों में हो रहे गड्ढों में भरे हुए बरसात के पानी की तरफ भी नजर डालिए। यह कार्य नगर निगम, PWD व सरकार को ही करना होगा क्योंकि यह कार्य आम जन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, खाली प्लॉट्स में, सड़क के आसपास मौजूद हरियाली में जो लार्वा उत्पन्न हो रहा है उससे कौन निपटेगा? क्या डेंगू का मच्छर एक ही स्थान पर बैठा रहेगा? उसे उड़ना नहीं आता है। होना यह चाहिए था कि जो निगम दुनिया भर के टैक्स वसूल रहा है देहरादून की जनता से, उसे प्राथमिकता के आधार पर डेंगू से निपटने के लिए उचित उपाय करने चाहिए थे ताकि डेंगू का लार्वा कहीं पनपता ही नहीं। केवल शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने से डेंगू से नहीं निपटा जा सकता। निगम की ओर से चौराहों, सड़कों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं और उनके माध्यम से डेंगू से जागरूक रहने का आह्वान किया गया है। होर्डिंग्स में डेंगू से बचने के उपाय बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अपने आसपास पानी एकत्र न होने दें, गमलों, फ्रिज, कूलर आदि की सफाई करते रहें। यदि कहीं लार्वा उत्पन्न हो रहा है और उसमें से डेंगू मच्छर पनप रहा है तो वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकता है और किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। डेंगू से निपटने के उपाय सरकार व जिम्मेदार विभाग को खोजने चाहिए, जबकि सरकार इस मामले पर सोई हुई दिखाई दे रही है। सूबे के मुखिया ने तो यहां तक कह दिया कि डेंगू का मच्छर विपक्ष की देन है। क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सबसे बड़े डेंगू के मच्छर को साथ लेकर चल रहे हैं? डेंगू से जाने जा रही हैं, इसमें वृद्ध से लेकर बच्चे तक शामिल हैं। शायद सूबे के मुखिया अपने आवास से बाहर नहीं निकल रहे, तभी उन्हें चिकित्सालयों, पैथोलॉजी लैब्स के बाहर लगी हुई लाइन दिखाई नहीं दे रही। चिकित्सालयों की हालत ऐसी हो गई है कि वहां बेड तक उपलब्ध नहीं है। जिन स्ट्रेचरों पर डेंगू पीड़ितों का इलाज हो रहा था वह भी अब फुल हो चुके हैं। डेंगू के लिए यह कहा जा सकता है कि आज यह महामारी का रूप ले चुका है और भविष्य में अगले साल तक यह महामारी एक बड़ा रूप अख्तियार कर लेगी, क्योंकि वर्ष 2016 से आज तक डेंगू के पीड़ित घटे नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में बढ़े हैं। तभी राजभवन को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और महामहिम राज्यपाल ने आला अधिकारियों को तलब भी कर लिया। जिस कांग्रेस को भाजपा 70 साल से कुछ न करने के लिए कोसती है, उस कांग्रेस सरकार के समय में देश में मलेरिया, TB, पोलियो, प्लेग जैसी घातक बीमारियां उभरी थीं, जिन पर कांग्रेस सरकार ने चिंतन मनन करते हुए इलाज खोजा और आज देश 100% पोलियो मुक्त हो चुका है, प्लेग खत्म हो चुका है, टीबी खत्म होने के कगार पर है। यह कांग्रेस सरकार की उपलब्धि थी जिसने घातक बीमारियों का इलाज खोजा और देश की जनता की हिफाजत की। लेकिन आज भाजपा सरकार डेंगू जैसी बीमारी से निपटने के लिए कुछ नहीं कर रही। जो आमजन पहले ही मरा हुआ है उसे और ज्यादा मारने का काम कर रही है। सरकार तो चिकित्सालयों एवं उन चिकित्सकों की फीस तक पर लगाम नहीं कस पा रही है जो डेंगू का इलाज कर रहे हैं। कोई हजारों में फीस वसूल रहा है तो कोई लाखों में। जितना ऊंचा नाम उतनी ज्यादा फीस। गरीब आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं। गली मोहल्लों में जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं उनके यहाँ भी डेंगू पीड़ितों की भीड़ देखी जा सकती है। आज भी जनपद के 90% वार्ड ऐसे हैं जहां नगर निगम फॉगिंग तक नहीं करा पा रहा। इतना ही नहीं, ब्लीचिंग पाउडर तक डालने में निगम फेल है। नगर निगम अपना फोकस बार बार रायपुर में होने की बात कर रहा है, जबकि डेंगू का मच्छर रायपुर से निकलकर पूरे शहर में पहुंच चुका है। ऋषिकेश, डोईवाला तो छोड़िए, डेंगू का मच्छर पहाड़ तक चढ़ चुका है।
कुल मिलाकर राज्य सरकार इस मच्छर को काबू करने में शत प्रतिशत फेल साबित हो रही है। डेंगू के मामले में आमजन नहीं बल्कि सरकार दोषी है। सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि वह अपने राज्य में निवास करने वाले लोगों की हिफाजत करें।